जाति गणना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दाव चला है। नीतीश ने राज्य में ओबीसी के दायरे को 50 से 75% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट 7 नवंबर को विधानसभा में पेश हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.70% गरीब परिवार, जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93% परिवार गरीब है। इस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से 65 करने का प्रस्ताव रखा। ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% हो जाएगा। बिहार की जातीय जनगणना के बाद आरक्षण प्रतिशत बढ़ाए जाने की मांग उठ रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह बड़ा कदम बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार का यह प्रस्ताव अगर सर्वसम्मति से पारित हो जाता है तो बिहार के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण कई तरह से बदल जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि जाति गणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार निर्णय लेगी। अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या में वृद्धि के कारण इन्हें मिलने वाला आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी सेवाओं में इनके आरक्षण के अनुपात को तो बढ़ाना ही होगा। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जो 50% आरक्षण है उसे हम 65% कर दें। पहले से अगड़ी जातियों को 10% है तो इस 65% के बाद कुल आरक्षण 75% हो जाएगा, तब अनारक्षित 25% बचेगा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने जो प्रस्ताव दिया है वह अगर फाइनल हो गया तो बिहार की सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के लिए मात्र 25% सीटें ही बचेंगी। जब से बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। इन नतीजों से नीतीश कुमार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और महादलितों के बीच खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि अगले साल देश में आम चुनाव है और इन वर्गों को कोई भी दल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव ओबीसी की राजनीति के दम पर ही लड़ा जाएगा और कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों और गैर यादव ओबीसी के नेता के रूप में नीतीश कुमार हिंदी पट्टी के दूसरे नेताओं से कहीं आगे खड़े दिखाई देते हैं। यह सर्वे न सिर्फ बिहार के चुनाव पर असर डालने वाला है बल्कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी साफ तौर पर पड़ेगा। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में नीतीश कुमार का राजनीतिक दबदबा अब केवल 5 से 7% वोटों पर ही है, जो मुख्य रूप से कुर्मी समुदाय है जहां से नीतीश कुमार खुद आते हैं। ऐसे में जाति जनगणना कराने और अब आरक्षण देने का दाव खेलने से नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ गई है। लेकिन आने वाले चुनाव सिर्फ जाति सर्वे पर नहीं लड़े जाएंगे, महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो देश भर में बेरोजगारी को लेकर रिपोर्ट जारी करती है, दिसंबर 2022 की उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार में बेरोजगारी दर 19% से अधिक है। रोजगार नहीं होने की वजह से सबसे अधिक पलायन बिहार से ही होता है। अधिकांश लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम ढूंढने के लिए बिहार से बाहर आते हैं। ऐसे में बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन चुका है और यदि अनारक्षित लोगों के लिए नौकरियां कम हो गई तो उनमें असंतोष का उभरना स्वाभाविक है। बिहार में नौकरियों के अवसर बेहद कम हैं और सरकारी नौकरी पाने की राह बेहद मुश्किल है। इसलिए कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि जाति जनगणना कराकर पिछड़े वर्ग में हीरो बनने वाले नीतीश कुमार के लिए आरक्षण की राजनीति भारी भी पड़ सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।